उठाएगा, इसलिए आप सी को 70 में से 60 नंबर तो आ जाएंगे अगर आप मेरे वीडियो को देखेंगे तो। तो आप सी को पहले के जो दो पार्ट बने हुए हैं उनको भी वॉच कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये तीसरा पार्ट है, कौन सा पार्ट है, तीसरा, इसलिए ना अगर आप तीनों चारों पार्टों को देख लेते तो आप सभी के कितने नंबर आ जाएंगे, 70 में से 60 नंबर फिक्स है, ठीक है ना, 70 में से 60 नंबर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते। हेलो गाइज, नमस्कार, मेरा नाम रुपेश पांचाल। आज की वीडियो में आप सभी को पूरा पूरा रियल पेपर बताने वाला हूँ। कौन सी क्लास का, क्लास 11th का, ठीक है ना, क्लास 11th फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान का, त्रैमासिक परीक्षा, त्रैमासिक परीक्षा भैया 2022 का, ठीक है ना, 2022 का। तो पूरा वीडियो देखें, वीडियो को लाइक करना है, लाइक का टारगेट रखते हैं इस वीडियो का 1000, तो आप सभी को 1000 लाइक पूरा करना है। इसके लिए आपको वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जो भी कर सकते हो करो, कमेंट वगैरह सब कुछ, ठीक है। अब आप सभी को एक बात बता दूँ, सच्ची बात है, कड़वी लगेगी तो लगेगी, जो भी यूट्यूब पर पेपर वायरल हो रहे हैं वो सारे के सारे क्या है, वो सारे के सारे फेक है, फर्जी है। लेकिन आज की वीडियो में जो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ वो बिल्कुल रियल है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को 2020 का पेपर बताने वाला हूँ, वार्षिक का, क्योंकि ये जो पेपर है इसी से बहुत सारे क्वेश्चन जो ओपन बोर्ड द्वारा जो आपका पेपर बना रहा है, जो आपका पेपर तैयार कर रहा है, वो इसमें से ही प्रश्न को उठाएगा। क्योंकि भाई वो इतना टाइम थोड़ी लगा कि भाई अब सारे सारे प्रश्न आप सभी को सिलेबस में से निकालेगा, नहीं, वो सारे प्रश्न इनमें से भी उठाएगा। इसलिए आप सभी को 70 में से 60 नंबर तो आ जाएंगे अगर आप मेरे वीडियो को देखेंगे तो। तो आप सभी को पहले के जो दो पार्ट बने हुए हैं उनको भी वॉच कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये तीसरा पार्ट है, कौन सा पार्ट है, तीसरा, इसलिए ना अगर आप तीनों चारों पार्टों को देख लेते तो आप सभी के कितने नंबर आ जाएंगे, 70 में से 60 नंबर फिक्स है, ठीक है ना, 70 में से 60 नंबर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते। यहाँ पर देख लीजिएगा आप सभी, ये है ना पूरा पूरा, यहाँ पर देखिए, मैं आप सभी को बीच बीच में वो भी बताऊंगा जो ज़्यादा मोस्ट है, ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिएगा आप, ठीक है, अगला ये पूरा पूरा देख लीजिएगा, ठीक है, उत्तर भी यहीं पर है। उसके बाद यहाँ पर प्रक्षेप गति में कौन सी राशि निगमित होती है, ये पूरा पूरा याद कर ले, ठीक है ना, ये यहाँ पर मात्रक लिख के पूरा याद कर लो। उसके बाद एक परमाणु, ये वाला याद मत करो, ज़्यादा मोस्ट नहीं है। अरे देखिए अगला ये वाला देखते हैं, ये क्या है भैया, ये वाला देखिए ऊपर ऊपर, सेकंड लोलक किसे कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगला देखिए, हाँ संवेग किसे कहते हैं, ये वाला याद कर लो, संवेग या सदिश या अधिश है, ठीक है। अधिक अगला देखिए, जी और जी में अंतर, ये वाला याद कर लो, है ना, भू स्थिर उपग्रह की दो विशेषता है। चलिए अगला देखिए, पास्कल का नियम, पास्कल का नियम याद रख लेना है, पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं, गतिज ऊर्जा क्या है, ये वाला याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वो ऊष्मा गति की, चलो इसे छोड़िए। उसके बाद यहाँ पर हाँ गतिज ऊर्जा एवं संवेग में संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है, अगला यहाँ पर ये देखिए, अगला यहाँ पर क्या है, ये देखिए यहाँ पर अगला देखते हैं अपन, हाँ ये वाला देखिए, आवर्तकाल, इसमें आपको अंतर पता होना चाहिए, अंतर, ठीक है ना, दोनों में अंतर पता होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, सरल लोलक का आवर्तकाल, ये वाला रुकिए, हाँ ये वाला देखिए, ये पूरा पूरा देख लीजिएगा आप सभी, जो जो आपके आउट ऑफ सिलेबस है उसको याद मत कीजिएगा। हाँ ये वाला याद कर लो, घर्षण कोण किसे कहते हैं, सिद्धि जी के घर्षण कोण की स्पर्शज्या, है ना, चरम घर्षण गुणांक के बराबर होती है, ठीक है। चलिए अगला देखिए यहाँ पर, अगला देखते हैं, हाँ ये वाला याद कर लो कि भैया बंकित जो है ये वाला पूरा पूरा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला देखते हैं भैया, अगला देखिए, प्रक्षेप गति में क्षैतिज परास से महत्वम ऊंचाई के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, ये वाला याद कर लो, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला तो हो चुका है, 2021 का आपका पेपर जो हट चुका है, 2021 का नहीं आएगा अगले वीडियो में, या फिर चलिए इसी में बताते हैं 2022 का भी, 2022 का भी नहीं है, क्योंकि 2022 का में भी आप सभी का एग्ज़ाम 2022 का इसमें यही नहीं, तो आप सभी को बस यही पेपर मिलने वाला है, ठीक है ना। इन्हीं में से आप सभी के 70 में से 60 नंबर आ जाएंगे, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।